बट आज की तारीख में जो अपोजिशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तमाम सरकारी एजेंसीज अपोजिशन की पार्टीज को, उनके गवर्नमेंट को डिस्टर्बलाइज कर रहे। ममता बनर्जी की जो भतीजे हैं वो ईडी के चंगुल में है, उनके मंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है, लगातार छापे पड़ रहे हैं। और ये चीज सिर्फ ममता तक नहीं है, अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की तलवार लटक रही है, उनके मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ है, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के परिवार वालों के ऊपर भी खतरा है, एनसीपी के दो मिनिस्टर जेल के अंदर है। तो क्या विपक्ष को ये समझ में नहीं आता कि आज की तारीख में एंटी कांग्रेसिज्म से ज्यादा एंटी बीजेपीज्म जिम्मेदार है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी खराब खतरनाक के लिए? ये तो कांग्रेस कहती आई है लेकिन वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि एडजस्टमेंट से कुछ हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कांग्रेस ने ये आइडिया सबके सामने रखी है कि आज हमारे खिलाफ ईडी है, इनके खिलाफ ईडी है, कल आपके खिलाफ ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, आईटी इंक्वायरी आएगी, एनआईए आएगा, ये सबके खिलाफ जाने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का एक प्लान इस तरह का है कि अपोजिशन, जैसा ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए, अपोजिशन मुक्त पॉलिटिक्स चाहिए, तो ये उन्होंने कहा है, तो उनको ही सोचना चाहिए कि हम अपोजिशन में साथ में क्यों नहीं आते। अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ममता ने अलग पोजीशन ली, अभी दोनों इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों कैंडिडेट उस तरह कांग्रेस के नहीं है। मार्गरेट आलो का नाम सीताराम येचुरी लिया, शरद पवार ने सपोर्ट किया और बाद में खड़गे जी ने सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स करता है उनको मालूम है कि ये सब ईडी एनआईए सब उनके खिलाफ आने वाले हैं, फिर भी वो आते नहीं है साथ में। तो उनको ही सोचना होगा कि फाइनली ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हल्ला है, ये विरोधी पक्षी का हल्ला है, उनका अस्तित्व ही खत्म करने के लिए बीजेपी ट्राई कर रही है। और उनको समझना चाहिए कि हम साथ में लड़ेंगे तो ही जा सकते हैं। 2004 में वाजपेयी के खिलाफ सोनिया गांधी ने जो यूनिटी दिखाई, उस तरह की यूनिटी अभी आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। इसका कारण मुझे मालूम नहीं, उनको सोचना होगा। क्या इसका कारण यह है कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है? ममता बनर्जी बार बार कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस लड़ती है वहां बीजेपी जीतती है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली बीजेपी को हार नहीं सकती है, तमिलनाडु में नहीं हार सकती है, केरला में हार नहीं सकती है, आंध्र प्रदेश में हार नहीं सकती है, कश्मीर में नहीं हार सकती है, पंजाब में भी। अकेली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये सवाल सिर्फ कोई चुने हुए राज्यों में है, सब जगह नहीं है। कांग्रेस को भी सब पार्टियों के साथ ही जाना पड़ेगा, ये कांग्रेस भी जानती है। सोनिया गांधी ने कितने दफा अपील किया है, राहुल गांधी ने भी अपील किया है, एग्रीकल्चर आंदोलन के लिए पेजन के आंदोलन के टाइम में सब साथ में आए थे विरोधी दल, जैसे कि सीए के बारे में भी आए थे, लेकिन वो सब नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सब आते हैं, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आता है तब ये पीछे हट जाते हैं। ये कांग्रेस का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि हम अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, कभी भी कांग्रेस से माना नहीं। नहीं तो 2004 में सोनिया गांधी ने सब सीताराम येचुरी, हरकिशन सुरजीत सबको मिलके वो 2004 की इलेक्शन लड़ाई थी। तो मुझे लगता है कि ये गलत है कि कांग्रेस सोचती है कि वो खुद ही लड़ेंगे, और उनका एरोगेंस है, कांग्रेस के ऊपर एरोगेंस का आरोप है। कभी कभी पहले के जमाने में वो सच भी था, बनिए ने कहा कि सच नहीं था, लेकिन कांग्रेस के बारे में जो इनका डर है या डिस्टेस्ट है या नफरत है, वो नफरत उनके एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स का रूट्स है, जिसका कोई प्रमाण राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह इन्होंने, और आडवाणी, और फाइनली नरेंद्र मोदी। एक्चुअली नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स। जैसे 2004 का आपने जिक्र किया, उस तरीके की कोशिश सोनिया गांधी क्यों नहीं करती? सोनिया गांधी अगर चाहे तो ममता बनर्जी के घर जाके उनको समझाने की कोशिश करें, शरद पवार को समझाने की कोशिश करें, जगनमोहन रेड्डी को समझाने की कोशिश करें, उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश करें, तो ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं होती है। सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं करती, नहीं ये सब हो गया है सोनिया गांधी की तरफ से। सोनिया गांधी ने ममता को कांटेक्ट किया था, शरद पवार को कांटेक्ट, शरद पवार तो साथ में है, शरद पवार को कांटेक्ट किया था, सीपीएम को कांटेक्ट किया था, येचुरी भी साथ में है, इन सब लोगों, और शिवसेना में भी बाद में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, कांग्रेस के साथ बहुत कम लोग है, 44 सीट्स ओनली, फिर भी कांग्रेस ने उद्धव को सपोर्ट दिया था। तो इसका सवाल ये नहीं कि कांग्रेस ट्राई नहीं कर रही है, कांग्रेस ट्राई कर रही है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ताकत इतनी कम है कि कांग्रेस के साथ जाने से अपना क्या फायदा है। नहीं तो आरजेडी भी नहीं आती पूरी तरह कांग्रेस के साथ, आधी आधी आती है, आधी आधी नहीं आती है। अखिलेश ने तो, अखिलेश और मायावती ने, आपको याद होगा,
डिक्लेयर किया यूनिलैटरली कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तब कांग्रेस मनवा रही थी उनको कि आप आ जाइए हमारे साथ, मायावती और अखिलेश दोनों को। एक दफा आए भी 2017 में वो साथ में आए, लेकिन बाद में मायावती और अखिलेश ने यूनिलैटरली डिसाइड कर दिया कि कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं सोनिया गांधी, क्या कर सकते हैं राहुल गांधी, क्या कर सकता है कांग्रेस, क्या कर सकते हैं भगवान, क्या कर सकता है? ये नो कॉन्फिडेंस ज्यादा राहुल गांधी की लीडरशिप में? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं है ये, राहुल गांधी के ऊपर जिस कांग्रेस वालों ने नो कॉन्फिडेंस दिखाया है उसका शायद प्रतिबिंब कहते हैं रिफ्लेक्शन बाकी पार्टियों में आया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना राहुल गांधी अनपॉपुलर है या पप्पू है या इनइफेक्टिव है या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना मीडिया में कहा जाता है उतनी तो कंडीशन नहीं है, उतनी अंदर कंडीशन नहीं है, लेकिन वो प्रचार इतना प्रभावी हो गया है मीडिया के कंट्रोल के वजह कि वो लोगों के दिल में बैठा है और पार्टियों के दिल में बैठा है। लेकिन आप एक्चुअली लोगों के तरफ जाओगे, आदिवासी लोगों के पास भी या गांव गांव में, तो राहुल गांधी के लिए ऐसी नफरत नहीं है जैसे विरोधी दलों में है या जैसे कोई विरोधी नेताओं में है या जैसे मीडिया में है। मीडिया की नफरत जो है राहुल की तरफ, उस तरह की नफरत लोगों में नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स में नहीं है। रघुराम राजन, अभिषेक बैनर्जी, ये सब जैसे नोबेल लॉरियट राहुल के सपोर्ट में, आशुतोष वार्ष्णेय जैसे इंटेलेक्चुअल्स, ये सब राहुल के साथ आते हैं, मतलब ये राहुल के सपोर्ट करते हैं ऐसे नहीं, वो राहुल के साथ आते हैं और जिस तरह वो राहुल को इंटरव्यू देते हैं, जिस तरह राहुल के साथ चर्चा करते हैं, इंटरव्यू नहीं राहुल के साथ चर्चा करते हैं, उसका मतलब ये है कि राहुल को समर्थन भी है। सिर्फ रामचंद्र गुहा नहीं है इंटेलेक्चुअल खिलाफ, और भी दो तीन खिलाफ है, लेकिन ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स ने प्रताप भानु मेहता से लेकर सब ज्यादातर इंटेलेक्चुअल राहुल को सिंपथेटिकली लिया है, लेकिन इंप्रेशन ऐसा है, प्रभाव ऐसा हो गया है कि राहुल इज इनइफेक्टिव एंड यूजलेस। कांग्रेस जब अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, इतने दिनों से करीब राहुल गांधी को इस्तीफा दिए हुए तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो ये परसेप्शन तो बनेगा ना, और ये भी परसेप्शन बनेगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द है, वहां कोई इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता था जब कांग्रेस पार्टी उस तरह बिहेव करती थी। राहुल ने जब रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, तभी कहा था कि हमारे फैमिली का कोई नहीं होगा, प्लीज आप चुनो, और वो उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर चुनो, 2 महीने के अंदर चुनो, उन्होंने 3 महीने राह देखा, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने कोई ऑल्टरनेटिव नाम दिया नहीं। अभी ये फॉल्ट किसका हो सकता है जब राहुल गांधी कह रहा है कि आप यहाँ बैठो, आप कोई भी एक नाम चुनो और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाओ उसको, ऐसा राहुल गांधी अपील कर रहा था, लिखी रिटर्न अपील है वो, फिर भी कोई CWC में कहा नहीं कि होना चाहिए एक्स आदमी होना चाहिए, वाई आदमी होना चाहिए। वो क्यों नहीं कह रहे थे? उनको डिफिडेंस है, उनको ऐसा लगता है कि गांधी फैमिली का कोई ना हो तो उनको नेशनल अपील नहीं रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।